पर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के नेता जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30 31 तक 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा, और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। तो पटना से आपको इस वक्त ही बड़ी खबर बता दें, बिहार में सियासी हलचल पर जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर जीतन राम मांझी बोले कि एनडीए में हम हैं छोटी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, नीतीश कुमार को शामिल करने का विरोध नहीं करेंगे। यानी नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो जीतन राम मांझी इसका समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बयान दिया है, नीतीश कुमार का बयान काफी कुछ कहता है और उसी बयान के आधार पर जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं और इसका विरोध जीतन राम मांझी नहीं करेंगे।